नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम न्यूज रूम और आपके साथ मैं हूं अर्चता। आइए रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा कैंडिडेट्स की पांचवी सूची आज जारी हो सकती है। दिल्ली में शुक्रवार देर रात तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 94 सीटों पर मंथन किया गया। इनमें से 22 पर नाम तय लगभग है। इनमें हारी हुई सीटों के साथ ही मौजूदा विधायकों की सीटें भी शामिल है। 2 सीट गुना और विदिशा होल्ड की जा सकती है। वहीं बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की पांचवी सूची पर चर्चा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। भाजपा ने अब तक 4 सूची जारी कर 136 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं बची 94 सीटों पर नामों की सूची एक साथ या 2 बार में जारी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां जबलपुर कांग्रेस ने चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम की जगह पर आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि जबलपुर के जिस जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में इस बार ईवीएम रखने के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाया है, वहां के कुलपति डॉक्टर पी के मिश्रा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के ससुर है। कुलपति के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रिश्तेदार होने से कांग्रेस ने विश्वविद्यालय के स्ट्रॉन्ग रूम में ईवीएम सुरक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की इस शिकायत पर मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का कहना है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय एक शासकीय संस्था है, जिसके एक भवन को प्रशासन ने स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए पहले ही अधिग्रहित कर लिया था। अनुपम राजन का कहना है कि किसी संस्था में किसी व्यक्ति विशेष के पदस्थ होने से स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूम और ईवीएम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात रखी जाएगी। हालांकि अनुपम राजन ने कांग्रेस की आपत्ति का विधिवत निराकरण करने की भी बात कही है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस समारोह में ग्वालियर में भाग लेंगे। यहां भी लगभग 2 घंटे तक रहेंगे। पीएम मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सिंधिया स्कूल गए हैं। आपको बता दें कि वे शनिवार को 4:30 बजे विशेष विमानतल से ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचेंगे। यहां उनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं पीएम मोदी स्कूल के 125वीं सालगिरह समारोह के आयोजन में भाग लेंगे और अपना संबोधन देंगे। इस दौरान वे वहां के बच्चों द्वारा ग्रामीणों की मदद से तैयार आर्ट गैलरी का अवलोकन करेंगे और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की है। दरअसल नई गाइडलाइन के तहत अब नेताओं के लिए पुतले फूंकना प्रतिबंधित है, साथ ही दूसरे दलों की सभाओं का विरोध नहीं किया जा सकेगा। नई गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही दूसरे दलों की सभा में सवाल पूछने वाले पर्चे फेंकना भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभा के लिए मैदान पर किसी दल विशेष या व्यक्ति का कब्जा नहीं होगा और ना ही नेताओं के पुतला दहन करने की इजाजत है। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस में शामिल लोग किसी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो अवांछनीय हो। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां उत्तर भारत में शुक्रवार से वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है। इसके 5 दिन बाद एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस आएगा। हालांकि दोनों का ही मध्य प्रदेश में असर नहीं रहेगा, यानी बारिश होने का अनुमान फिलहाल नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, इससे टेम्परेचर ना बढ़ेगा और ना ही कम होगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक के अनुसार आपको बता दें कि नवंबर में तेज ठंड की शुरुआत होगी। हालांकि अरब सागर में नमी आने की वजह से शुक्रवार को भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बादल भी छाए रहेंगे और इसका टेम्परेचर पर कोई खास असर नहीं होगा। शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में एक्टिव हो रहा है। एमपी में इसका ज्यादा असर नहीं है, इससे टेम्परेचर में भी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। वहीं ऐसा ही मौसम अगले 10 दिनों तक रहेगा। ज्यादातर शहरों में दिन में 32 डिग्री और रात में पारा 20 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।